हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली दो बात होगी दोस्तों बीएड के खिलाफ लगी एक और याचिका। तमाम याचिकाएं लगती जा रही हैं, टोटल 6 याचिकाएं हो चुकी है। दोस्तों याचिकाकर्ता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मामले को लेकर एक्टिव है कि चाहे भर्ती पूरी हो ना हो हम याचिकाएं दायर करते रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों हाईकोर्ट का निर्णय आते ही 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है कंप्लीट कराई जाएगी। योगी सरकार का बयान है, योगी सरकार मतलब सतीश द्विवेदी जी का दोस्तों बयान देखने के लिए मिला है। उसका पूरा वीडियो मैं आप सभी को दिखा दूंगा इसके अंत में। और साथ में बात करेंगे एलटीगेट टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर। छात्र दोस्तों लगातार भटक रहे हैं, अगर उनको मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। टीजीटी पीजीटी को भी दोस्तों अब काफी समय होता जा रहा है, मार्च में जो कराया गया था 7 महीने इसको हो गए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूंगा दोस्तों एलटीगेट की तो 15 महीने होने वाले, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों बीएड के खिलाफ एक और लगी याचिका पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने केस स्टेटस इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं सर्विस बेंच के अंदर 28032। जी हाँ दोस्तों लखनऊ बेंच के अंदर दोस्तों याचिका डाली गई है हरिओम दीक्षित के नाम से। अगर मैं काउंसिल की बात करूँगा अमित कुमार भदौरिया जो कि रिजवान अंसारी के वकील हैं उनकी तरफ से इस याचिका को दोस्तों जो है यहाँ पर ट्वीट किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं 1/10/2019 को दोस्तों याचिका फेल की गई थी और एक्सेप्ट दोस्तों हो चुकी है। और इसको क्या होगा कि आने वाली सुनवाई के अंदर इसको उसके साथ टैग ऑन कराया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि जब सरकारी व्यक्ता मतलब एजी साहब आए थे तो उन्होंने साफ किया था कि भाई मैं किसी याचिका पर बहस नहीं करूंगा, पहले मैं सिर्फ स्पेशल अपील पर ही बहस करूंगा। और उन्होंने सिर्फ स्पेशल अपील पर ही बहस की। तो पहले क्या होगा दोस्तों बहस तो स्पेशल अपील के ऊपर ही चल रही जिस तरीके से आप सभी को बताए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की तरफ से बीएड मुद्दे को उठा गया कि थोड़ा सा दोस्तों टाइम तो लिया जाएगा। अभी आप सभी को बताया कि अब 16 तारीख से हमारी सुनवाई होने वाली है, उसकी कॉजलिस्ट दोस्तों अभी नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कॉजलिस्ट भी आ जाएगी। तो उसके बाद जो समय दोस्तों 19 तारीख तक कोर्ट खुलेगा मतलब सैटरडे तक दोस्तों 4 दिन मिलेंगे, और उसके बाद अगले हफ्ते संडे के बाद भी दोस्तों काफ़ी समय मिलने वाला है। बस उम्मीद है कि दोस्तों लगातार अगर सुनवाई हो जाए तो जल्दी से जल्दी मामला जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़ एक नई याचिका रोज़ एक नया केस आ जाने से कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती को लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ तो दोस्तों 4,10,000 छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि भाई जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि भाई रोज़ एक नई याचिका आ जाती है, चाहे वो बीएड के खिलाफ हो, चाहे 25वें संशोधन के खिलाफ हो, चाहे किसी और के मैटर को लेकर हो। तो आप सभी को बताया कि बीएड के खिलाफ टोटल 6 याचिकाएं अब तक हो चुकी हैं और 25वें संशोधन के खिलाफ टोटल 2 याचिकाएं लग चुकी हैं। हालांकि इस बात को लेकर मैंने आप सभी को कई बार कहा कि बीएड को इस भर्ती से बाहर होने के कोई चांसेस नहीं है, बस दोस्तों लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपना अपना दोस्तों काम किया जा रहा है जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से है, लगातार एक पर एक नई याचिका डाली जा रही है जो कि 6 याचिकाएं अब तक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ दोस्तों आप सभी के एलटीगेट को लेकर, जी हाँ दोस्तों इसके बाद में मैं बयान का वीडियो आप सभी को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा एलटीगेट पर बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों के पास अध्यक्ष के लिए कई सवाल हैं, लेकिन दोस्तों अध्यक्ष मिलते नहीं हैं। बीते बृहस्पतिवार को काफ़ी छात्र जो है काफ़ी बल संख्या के अंदर इकट्ठे होकर के गए थे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं थे, ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि आप सभी को पता है 4 लाख लोगों ने इसको भी दिया था और यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी कम रहती है। तो एलटीगेट रिजल्ट के लिए अब 9 अक्टूबर तक दोस्तों आयोग पर इकट्ठे होंगे छात्र। लगातार उनको आश्वासन देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। नौकरी के लिए छात्र भटक रहे हैं, लगातार दोस्तों उम्मीद होती है कि भाई इस हफ्ते आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाएगा, ऐसे करते करते लगभग 15 महीने निकल चुके हैं, लेकिन एलटीगेट का रिजल्ट दोस्तों अभी तक नहीं आया है। तो एलटीगेट शिक्षक भर्ती अब को लेकर दोस्तों अभ्यर्थियों के पास काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अध्यक्ष से मिलकर दोस्तों इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। बृहस्पतिवार को गए थे लेकिन वहाँ से खाली हाथ उनको वापस आना पड़ा। अब दोस्तों बुधवार को भी लगातार वहाँ पर आयोग के अध्यक्ष से मिलने की बात की जाएगी और रिजल्ट जारी करने की मांग भी रखी जाएगी। धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों जल्दी से जल्दी बस उम्मीद है रिजल्ट जो दोस्तों इसका देखने के लिए मिले, क्योंकि 1 महीने पहले भी मुलाकात की गई थी प्रभात कुमार जी से, जिन्होंने उसमें कहा था कि भाई 1 माह के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तब तक एसटीएफ की जांच भी कंप्लीट हो जाएगी। एसटीएफ की जांच भी आ चुकी है, उसके बाद दोस्तों अब सबने यह भी कह दिया है, सबकी तरफ से हाथ खड़े हो चुके हैं कि अब प्रभात कुमार मतलब अध्यक्ष के हाथ में जो है डोर आ चुकी है, जब जाएं वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को कहते कहते भी अब लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं, अभी तक दोस्तों इसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। दूसरी तरफ दोस्तों बात करता हूँ टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर, इसको भी दोस्तों काफी लंबा समय होता जा रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों चयन बोर्ड को लगातार घिरा जा रहा है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। जैसा कि आप सभी को बताया कि मार्च
में दोस्तों इसका एग्ज़ाम कराया गया था। लगातार दोस्तों इसका टाइम निकलते निकलते अब 7 महीने इसको भी होते जा रहे हैं, अभी तक इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी तरफ 69,000 को लेकर छात्र परेशान है दोस्तों, जनवरी में उसका ही पेपर कराया गया था, 10 महीने उसको हो चुके हैं, 7, 10 और 15 महीने लगातार दोस्तों हर एक परीक्षा को देखने के लिए मिल रहे हैं, बस सिर्फ भी इंतजार है दोस्तों। आप सभी को पता है 69,000 के अंदर भी 2 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। और चयन बोर्ड की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 30-30 दिन से लगातार छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। हालांकि दोस्तों संख्या यहाँ पे कम थी, लेकिन लगातार छात्र कहीं ना कहीं रिजल्ट की मांग तो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों एलटी गेट को लेकर भी छात्र जुड़े हुए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी एक बार रिजल्ट आ जाए, तो यहाँ से जिसको फाइनल होना है उसका फाइनल हो जाए दोस्तों, आगे आने वाली भर्ती के लिए तैयारी करना है वो उसकी तैयारी कर पाए। कहीं ना कहीं दोस्तों असमंजस में फंसे हुए हैं तीनों की तीनों भर्तियों का दोस्तों, अभी भी रिजल्ट अटका हुआ है, किसी का भी रिजल्ट दोस्तों अभी तक जारी नहीं किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो योगी सरकार का दोस्तों बयान देखने के लिए मिला है, उन्होंने कहा है कि डबल बेंच का निर्णय आते ही 69,000 भर्ती जो है पूरी कराई जाएगी, जिसको लेकर सतीश द्विवेदी जी दोस्तों बयान दिया गया। अगला वीडियो दोस्तों आप सभी को वहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो अगला वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए। दीवारी बनी है, पूरा वातावरण सुंदर है, छोटे बच्चे ये जीर्ण शीर्ण भवनों में नहीं जाना चाहते, जाने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके जाने बहुत अच्छा होता है। आज जब विद्यालयों का परिदृश्य सुंदर हुआ है, बच्चे घूमने की ओर आकर्षित हुए, पूरे हृदय का जो विद्यालय है जो सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री रामचंद्र मिश्र के सहयोग से विकसित हुआ है, यहाँ का पूरा वातावरण इतना अच्छा है, इतने संसाधन संपन्न हुआ है, विद्यालय स्मार्ट क्लास है, एक तरह से बच्चे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खेल का मैदान है, खेल के सामान है, अच्छा रसोई घर है, बच्चों को भोजन करने के लिए किचन सेट बना है, और जिस तरह की अद्भुत उत्कृष्ट प्रस्तुतियां सांस्कृतिक कार्यक्रम के यहाँ के बच्चों में दी है, निश्चित रूप से इन सब लोगों ने, अधिकारियों ने, शिक्षकों ने सबने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर जनपद के अन्य विद्यालय भी और प्रदेश के भी अन्य विद्यालय इस तरह के विद्यालयों को अपने आदर्श मान के हुए यहाँ से सुविधा देते हैं। हम धीरे धीरे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 45,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुके, 69,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले थे, कुछ कारणों से माननीय न्यायालय में वो मामला लंबी चल रही थी, उसका निपटारा होगा, हमको 69,000 शिक्षक और मिल जाएंगे, उसके बाद भी तेजी से भर्ती प्रक्रिया चल सके हम एक उसके लिए भी उतनी मार्गदर्शन व्यवस्था बना रहे हैं। जब भी हम शिक्षकों की कमी पूरा करेंगे तब तक हमारे पास बड़े होनहार शिक्षक आए हैं, शिक्षकों में से जो लोग अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा सकते हैं उनको वहाँ भेजकर मॉडल स्कूलों की व्यवस्था को पूरा करेंगे। हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जहाँ जहाँ अभी कमी रह गई है उन कमियों को पूरा करेंगे, और हम चाहते हैं एक संपन्न व्यक्ति को एक शहर में जिस तरह के स्कूल देते हैं अपने बच्चों का भविष्य गंवारने के लिए, हमारे गाँव के किसान को, मजदूर को, वंचित को, दलित को, सबको अपने गाँव में ही उस तरह का विद्यालय मिल सके, यही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है और यही हम सब लोगों का सपना है। नहीं, हम प्रयागराज को लागू करने से पहले शिक्षक संगठनों के माध्यम से कई बार वार्ता हुई, मेरी बारी बारी से सबसे वार्ता हुई। देखिए, हम चाहे जितनी व्यवस्था खड़ी कर दें, स्कूल चाहे जितना सुंदर बना दें, स्मार्ट क्लास बना दें, जो भी कर दें, अगर शिक्षक स्कूल नहीं आएगा, बच्चों का मार्गदर्शन नहीं करेगा। आज आप क्या देखा, ये जो बच्चे प्रस्तुतियां दे रहे थे उन बच्चों के पीछे वो शिक्षक खड़े थे, उनकी जो भाव भंगिमाएं थी उनमें हम उन बच्चों को तो देख ही रहे थे, हमको उनमें इन स्कूलों के शिक्षक नजर आ रहे हैं। अगर शिक्षकों ने प्रयास नहीं किया होता तो बच्चे इस तरह की प्रस्तुति नहीं कर पाए। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि शिक्षक नियमित स्कूल आए, हो जाए, नहीं आना है तो समुचित ढंग से अवकाश लेकर जाएं, क्योंकि वही बच्चों के भविष्य निर्माता है, वही इस कच्ची मिट्टी के कुम्हार है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई भी संकल्प पूरा नहीं होगा, और शिक्षकों को आने के लिए ही केवल प्रेरणा नहीं है, मैंने अभी बताया कि पूरे स्कूल की निगरानी के लिए, अधिकारियों की निगरानी के लिए और तमाम सारी सुविधाएं शिक्षकों के अवकाश आज से संबंधित सभी चीजें प्रेरणा के माध्यम से उपलब्ध होंगी। मैं आपके माध्यम से शिक्षकों से अपील करता हूँ कि वो हमारा सहयोग करें, और अब जरा अभिभावकों से पूछिए, अगर सरकार कोई ऐसा व्यवस्था बनाती है कि हर शिक्षक अनिवार्य रूप से स्कूल आए
बात जरा पूछिए कि वो साथ है कि नहीं है, तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता प्रेरणा आज का समर्थन करती है तो शिक्षकों को इसको स्वीकार करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प आने वाले एक दो महीनों में हमारे टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, जब हमारे स्कूल को टेबलेट उपलब्ध करा देंगे। लोगों ने कहा तो हमारे पास स्मार्ट फोन नहीं, तो हमने कहा ठीक है हम उपलब्ध कराएंगे। हर स्कूल को एक दो महीने में जब हम टेबलेट उपलब्ध करा देंगे उस दिन से एक व्यवस्था को अनिवार्य बना देंगे। उसके पहले भी अधिकारियों के माध्यम से निगरानी हो रही है, जो लोग लापरवाही करेंगे स्कूल नहीं आना किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं, क्योंकि बिना स्कूल आए हमारा कोई भी सपना पूरा नहीं। Thank you.